इसे हम रीड करने से पहले एक चीज बताते हैं कि हम पहले एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ओके इंग्लिश में, उसके बाद हम आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. सो स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रीस्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. द प्रीस्ट एंड हिज वाइफ डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन. दे वर अनहैप्पी बिकॉज दे वर इन डाउट विद द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ गॉड. वन डे व्हेन द प्रीस्ट वाज एंगेज्ड इन पेनेंस, द एनिकल ड्रॉप अ फीमेल माउस फ्रॉम द माउथ स्काई. And it happened to fall in the lap of the priest. This incident was the turning point in the priest's life. The priest doubted that God might have sent his mouse to him to fill the gap of a child in his life. But a second doubt struck him that if he took the mouse home, people would laugh at him. So he decided to change the mouse into a beautiful girl. तो अब हम लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं. एक समय की बात है, एक पुजारी नदी के किनारे रहता था. पुजारी और उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे. वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें भगवान की सबसे बड़ी दया नहीं थी. इंडाउड मतलब गिफ्टेड होता है ओके. वन डे व्हेन द प्रिंस वाज एंगेज्ड इन पेनेंस, एक दिन जब पुजारी अपने तपस्या पेनेंस में तपस्या ओके तपस्या में व्यस्त था, तभी एक बाज उस आसमान से उसके गोद में एक चूहिया गिरा देता है. यह घटना पुजारी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है. पुजारी ने यह सोचा कि भगवान ने यह चूहिया इसलिए भेजा है ताकि उसके जीवन में उसके बच्चे की कमी को पूरा कर सके. लेकिन अगले ही पल उसे यह सोच प्रभावित किया कि जब वह इस चूहिया को अपने घर लेकर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे. इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वह इस चूहिया को एक सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट करेंगे. स्ट्रकनेस प्रभावित होता है ओके. सो द प्रिस्ट बाउट द गर्ल होम. ऑन सीइंग द गर्ल द प्रिस्ट वाइफ आस्क्ड हु इज शी, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस गर्ल. द प्रिस्ट नरेटेड टू हर द होल स्टोरी एंड सेड आई वुड bring her back to her original form, but from now it would live with us in our home. The priest's wife stopped him at once and said, no, don't do this. Please don't change her into a mouse again. You have give her a new life. So you have become her father. Since you are her father, I am her mother. I think God must have sent her to us because we don't have any children. So this is now our child and it is our responsibility to take care of her. So pujari us ladki ko leke apne ghar gaya. और जब उसकी पुजारी की वाइफ ने उस लड़की को देखा तो पूछा कि यह लड़की कौन है और आपने इसे कहाँ से लाया. पुजारी ने उसे पूरा कहानी पूरा डिटेल में समझाया. नरेटेड मतलब डिस्क्राइब करना ओके मतलब समझाना, उसको पूरा वर्णन करना. आई वुड पूरा डिटेल में समझाया और कहा कि अब हम इसको उसके असली रूप में ले आते हैं और फिर ये मेरे साथ हमारे घर पे रह सकती है. तो पुजारी की पत्नी ने उसे कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, प्लीज इसे फिर से चूहिया में मत बदलिए. आपने इसे नई जिंदगी दिया है तो इस कारण से आप इसके पिता बन गए, इसलिए अब आप इसके पिता हैं और मैं इसकी माँ. मेरे ख्याल से भगवान ने इसे इसलिए हमारे पास भेजा है क्योंकि हम लोग के पास कोई भी बच्चा नहीं है. तो अब यह हमारी बच्ची है और यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग इसका देख रेख करें. So the priest stopped for a moment and then they again, then
accepted the proposal of his wife. Proposal means offer, okay? Offer means uska prastav. They started bringing up the girl child as their own daughter. They called her Angel. Soon Angel grew into a beautiful girl. When she reached the age of 18, the priest's wife decided to get their daughter married. She told her wish to her husband and asked him to find a suitable match for their daughter. The priest liked to the idea and suggested that the sun god would make the best match for their daughter. The wife agreed and the priest prayed to the sun god to appear. When the sun appeared, the priest asked him to marry his daughter. The sun accepted the proposal of the priest. Pujari कुछ पल के लिए सोचा और फिर उसने अपनी पत्नी के ऑफर को मान लिया। वह उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। वे लोग उसे एंजल बोलते थे। बहुत जल्द एंजल बड़ी हो गई और एक सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट हो गई। जब वो 18 साल की हुई तो पुजारी की वाइफ ने निर्णय लिया कि अब वो अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। उसने अपना ख्वाहिश अपने पति के साथ शेयर किया और कहा कि एक उपयुक्त मेल वाला लड़का हमारी बेटी के लिए खोजे और पुजारी ने उसके सुझाव को पसंद किया और उसने निर्णय लिया कि भगवान सूर्य उसकी बेटी के लिए परफेक्ट मैच है। उसकी पत्नी ने इस बात पे राजी हुई और फिर पुजारी ने भगवान सूर्य के प्रार्थना करके उन्हें बुलाया। जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तब पुजारी ने कहा कि आप हमारी बेटी से विवाह कर ले। भगवान सूर्य ने पुजारी के यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया but angel refused the idea and said sorry I can't marry the sun god as he is burning hot I will be burnt means jal jana to ashes means rakh okay in his heat and light the priest got disappointed to hear this from his daughter he asked the sun if he could suggest an ideal groom means dulha okay for his daughter the sun god said the lord of clouds could be a suitable match for her as he is only one who can easily stop the rays of the sun. So हिंदी में पढ़ते हैं अब इसको। लेकिन एंजल ने प्रस्ताव को इनकार कर दिया और कहा मुझे माफ कीजिए मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही गर्म जलते हैं मैं जलकर राख हो जाऊंगी उनकी प्रकाश की गर्मी से। पुजारी अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत निराश हुआ। पुजारी ने भगवान सूर्य से पूछा अगर वह उसकी बेटी के लिए दूल्हे का सुझाव दे सकते हैं तो दे। भगवान सूर्य ने कहा बादलों के भगवान एक सही मेल है तुम्हारी बेटी के लिए एक वही है जो मेरी किरण को आसानी से रोक सकते हैं। द प्रीस्ट लाइक द आइडिया एंड Instantly, he prayed to the Lord of Clouds to appear and asked him to marry his daughter. The Lord of Clouds accepted the proposal of the priest, but Angel once again rejected the proposal and said, I don't want to marry a dark person like him. Besides this, I am pregnant of the thunder he generated. The priest was desperate once again and asked the Lord of Clouds if he could suggest a suitable groom. The Lord of Clouds said wind god could be an ideal match for her as he can easily blow me away. Okay, तो इसका fragment means होता है कि scared भयभीत हो जाना. Okay, तो पुजारी को सुझाव पसंद आता है और वह तुरंत भगवान बादल को प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे अपनी बेटी की शादी करने को पूछते हैं। बादलों के देव भगवान जो होते हैं वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं लेकिन एंजल जो एक बार फिर उस प्रस्ताव को मना कर देती है और कहती है कि मैं इतने काले इंसान से शादी नहीं कर सकती और इसके अलावा मैं इनके घरघराहट से भयभीत हो जाऊंगी और जो इनके द्वारा जनरेट होता है। तो फिर एक बार फिर पुजारी जो होता है वो निराश हो जाता है और वो पूछता है भगवान बादल के भगवान से कि वो उनके लिए एक अच्छा दूल्हा सजेस्ट करे उनकी बेटी के लिए। बादल के भगवान बोलते हैं कि वायुदेव जो है वो परफेक्ट मैच है आपकी बेटी के लिए क्योंकि वो आसानी से मुझे उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, तो द प्रिस्ट देन प्रे टू द
when God appeared and asked him to marry his daughter, Angel again declined the idea and said, I can't marry a fragile person like the wind who is always moving. Once again, the priest God sat and asked the wind God to give some suggestions. The wind God replied, Lord of mountain, he is solid and can stop the hard blow of the wind easily. He can make a suitable match for her for your daughter. Fragile means कोमल होता है, नाजुक, कोमल. तो पुजारी ने फिर वायुदेव को प्रकट होने की प्रार्थना की और उनसे उनकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा. लेकिन इस बार फिर हुआ वही, एंजल ने फिर से उनके आइडिया को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि इतने कोमल इंसान के साथ मैं शादी नहीं कर सकती. और तो और ये हमेशा एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. एक बार फिर पुजारी बहुत दुखी हो जाता है और वो भगवान वायु से बोलता है कि आप कुछ सजेशन दीजिए अच्छे ग्रूम के लिए, मतलब दूल्हे के लिए. तो भगवान वायुदेव जो होते हैं वो बोलते हैं कि पर्वतों के राजा बहुत ही सॉलिड होते हैं और वो आसानी से मेरे तेज बहाव को भी रोक सकते हैं. वो आपकी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच है. तो ये On hearing this, the priest went to the Lord of Mountain and requested him to marry his daughter. But Angel once again rejected the proposal and said, I can't marry the Lord of Mountain because he is too cold-hearted. She also said that all the grooms selected by the priest were not kind-hearted. She asked the priest to find a softer groom for her. Once again, the priest got sad and asked the Lord of Mountain for his suggestion. The Lord of Mountain replied, a mouse could be a perfect match for your daughter as he is soft and strong and he is the only one who can easily make holes in mountain. यह सुनकर पुजारी पर्वतों के राजा के पास गए और उनकी बेटी से शादी करने का रिक्वेस्ट किया. लेकिन एक बार फिर एंजल ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं पर्वतों के राजा से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं क्योंकि यह बहुत ही बेदर्द हृदय के हैं. कोल्ड हार्टेड मीन्स बेदर्द हृदय. ओके, उसने ये और तो और उसने ये भी कहा कि जितना भी दूल्हा पुजारी के थ्रू खोजा गया है, सेलेक्ट किया गया है, उसमें से कोई भी काइंड हार्टेड नहीं था. काइंड हार्टेड मीन्स उदार हृदय वाला. एक बार फिर पुजारी बहुत दुखी हो गया और उन्होंने पर्वतों के राजा से बोला कि वो एक सॉफ्टर दूल्हा उनकी बेटी के लिए खोजे. पर्वतों के राजा ने बोला कि एक चूहा तुम्हारी बेटी के लिए परफेक्ट मैच है. वह सॉफ्ट भी होता है और स्ट्रांग भी होता है और एक वही है जो आसानी से पर्वत में छेद कर सकता है. द डॉटर वेयर मच लाइक्ड द आइडिया ऑफ मैरिंग अ मेल माउस. फॉर द मोर शी वॉज प्लीज्ड एट द प्रपोजल. द प्रीस्ट सेड, दिस इज डेस्टिनी. यू केम एज अ माउस एंड यू वेयर डेस्टिनाइड टू मैरी अ माउस. नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी रिटन बाय गॉड. सेइंग दिस द प्रीस्ट चेंज्ड द गर्ल बैक टू अ फीमेल माउस एंड द फीमेल माउस गॉट मैरिड टू अ मेल माउस एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. द प्रीस्ट एंड दिस एंड हिज वाइफ वेयर ऑल्सो हैप्पी एज दे हैड गॉट अ सुटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर. तो पुजारी की बेटी जब चूहा के बारे में सुनती है तो उसको यह आइडिया बहुत पसंद आता है. और इसके अलावा फर्दर मोर्स मीन्स इसके अलावा होता है. ओके, वह प्रस्ताव पर खुश भी होती है और पुजारी जिसपे कहता भी है कि यह किस्मत है, तुम एक चूहिया के रूप में मेरे पास आई थी और तुम्हारा किस्मत है कि तुम चूहा से ही शादी करना था तुम्हारा किस्मत में. कोई भी भगवान के द्वारा लिखा हुआ किस्मत को बदल नहीं सकता है. यह बोलते हुए पुजारी ने लड़की को फिर से चूहिया में कन्वर्ट कर दिया. चूहिया ने चूहे से शादी कर ली और फिर खुशी खुशी रहने लगे. पुजारी और उसकी वाइफ जो थी वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको इस बात का तसल्ली था कि वो अपनी बेटी के लिए एक सुटेबल दूल्हा ढूंढ पाए. आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी.